एक बार फिर से बिहार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि फतुहा के बाली पंचायत के सोतीचक में करीब 80 एकड़ में लगे प्याज और प्याज के बीज के लिए लगाए गए पौधे बर्बाद हो जा रहे थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस खबर को बिहार न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था और खबर का असर हुआ और कृषि विशेषज्ञों की टीम सोतीचक गाँव पहुँच गई। विशेषज्ञ ने प्याज के फसल में हो रहे नुकसान को मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बताया। साथ ही उन्होंने किसानों को इस नुकसान से बचाव और खेती करने के तरीके में बदलाव करने का तरीका भी बताया है। खेत का और बिया का उपचार कर दीजिए। अब एक बात आपने बीच में बताई कि हमारे खेत में कटुई लग या कीड़ा लग जाता है, कीड़ा के लिए आपके पास मतलब मिली जुली अच्छी दवा है जिसको हम बोलते हैं क्लोरपाइरीफॉस, जो कि दो तरह का आता है। नहीं, आजकल देखो बाजार में ट्रेंड आ गया, जो बहुत ज्यादा बिक रहा है ना उसी को थमा देता है। नहीं, उसमें दो तरह का आता है, एक 50% आता है, एक 20% आता है। आप खेती में हमेशा 20% ही लीजिएगा, 50% मत लीजिएगा। खेती ना गलती कर रहे हैं ये। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि गांव में जो डॉक्टर होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होता है वो सबसे पहले खिला देता है। वो कभी पटना में जाता है तो डॉक्टर को समझे में रहते हैं कि इसके बाद हम क्या खिला। ये दिक्कत, आप 20% वाली दवा 1 किलो बीज के लिए 8 मिलीलीटर, 20% दवा 1 किलो बीज के लिए 8 मिलीलीटर उसी पानी में डालेंगे जिसमें कि आपने ट्राइकोडर्मा डाला, जिसमें आपने कर्बंडा डाला, ठीक है, और इससे से उपचारित कर दीजिएगा। 1 महीना तक आपके फसल में कोई भी कीड़ा का प्रकोप नहीं। 1 किलो बीज में 8 ml पानी मिला के देना, 8 ml दवा, 8 ml दवा पानी में, 8 ml दवा पानी में डालेंगे तब ना सूखेगा। हम लोग क्या करते हैं कि बीज को रख है, बीज ऐसे 8 ml 1 किलो बीया में ऐसे करके गिरावे हैं ना, तो कभी फायदा नहीं करेगा। ऐसे करेंगे तो पूरा फायदा कभी नहीं फायदा करेगा, कभी नहीं फायदा करेगा। जब तक वो सूख करके सिस्टम में नहीं जाएगा, ये तो बात वही होगी कि आपको पानी हमको चढ़ाना है तो हम आपके पेड़ पर एक बोतल पानी गिरा दिए, 1 घंटा पानी उपचार करे मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3 घंटा पहले। हाँ, 2.5 से 3 घंटा पहले 1 किलो दिया है तो 100 ml पानी पड़ सकता है कि 85 ml पानी पड़ेगा, क्योंकि बिया को तो फुलाना है नहीं, बिया को फुलाना है, वही तो हम आपको कह रहे हैं बार बार, यही मैं आपको कह रहा हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं सीड प्राइमिंग। सीड प्राइमिंग करने का मतलब होता है कि हमारे खेत में नमी कहाँ है और कहाँ नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने बिया को बाहर में ही सारा व्यवस्था दे दिया कि भाई तेरा पानी मिलता हुआ कि ना मिलता हुआ हम ना जाने चुका, तुम पानी पी लो, तुम दवा खा लो, कुर्ता पैंट पहन लो, अब जाओ खेत, तुमको ना कीड़ा काटेगा ना तुमको बीमारी होगी और ना कहीं पर हाल का कमी होगा, या ऊपर रह जाओगे थोड़ा ज़्यादा ऊपर तो तुम को जीगा, ठीक है। हम हमेशा बीज को प्राइमिंग करेंगे, पानी में फुलाएंगे और फिर उसको हल्का सा पतला फैला देंगे छाया में, वो सूख जाएगा एकदम भर भर हो गया, और तब हम उसको कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी और समन्वयक वीरेंद्र कुमार के पहुंचते ही भारी संख्या में किसान को सुनने पहुंचे और इनके द्वारा बताए गए सुझाव को भी समझा। इस मौके पर जदयू किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी सुनील कुमार, बाली पैस अध्यक्ष पप्पू कुमार, मुखिया नीतीश कुमार, अनिल कुमार, अभय कुमार, चंदन कुमार सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित थे।